हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, जिसमें देखो आज अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और मतलब एक रिजेक्शन के बिल्कुल पास है, पर उसने कहीं ना कहीं आज ब्रेकआउट भी दिया था और क्लोजिंग भी देखो अच्छी दी है यहाँ पे। और साथ में देखिए वॉल्यूम के साथ में उसको टीच करने का देखेंगे हम यहाँ पे, उसमें कंबाइन करके देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई उसमें। शेयर का नाम है इंजीनियर्स इंडिया। अब देखो यहाँ पे इसमें आज इसमें एक रिजेक्शन लेवल बन रहा था, यहाँ पे लेवल था 290 के आसपास का, ठीक है। उसके ऊपर ही निकला, इसने हाई लगाया कि यहाँ पे 295 का, पर क्लोजिंग आके दी है 290 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। देखा है तो प्रीवियस जो हाई था उसी के ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे इसमें क्लियर। अब इसमें वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, लास्ट टाइम ये इतनी अच्छी वॉल्यूम किस टाइम आई थी, यहाँ पे आई थी ये फरवरी में, यहाँ पे आई थी। बाकी नॉर्मली देखो इतने दिन से बहुत नॉर्मल वॉल्यूम चल रही थी, पर आज एक स्पाइक बहुत अच्छा आया वॉल्यूम का यहाँ पे। पर अब ये ना सिर्फ वॉल्यूम आने से जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे भी यहाँ पे मार्केट में शेयर अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देगा ही सही। यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखो ये सेम लेवल की वॉल्यूम आई थी फरवरी में यहाँ पे, ठीक है, इसी ऑलमोस्ट इतने क्या हुआ यहाँ पे शेयर में, एक इसमें अच्छा खासा हाई लगा, उसके बाद अच्छा खासा धीरे धीरे करते करते प्रॉफिट बुकिंग। कई बार क्या होता ना, ये वॉल्यूम कई बार ट्रैप करने के लिए भी लाई जाती है मार्केट में, लाता है कि वॉल्यूम आई जाती है ना, ठीक है। अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट हुई यहाँ पे मार्केट में, उसके बाद जब मार्केट में फिर धीरे करते करते प्रॉफिट बुकिंग आती है। पर उस वॉल्यूम से पहले देखना जरूरी है कि शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा था। ये देखो अभी यहाँ पे क्या था ना, अक्टूबर 23 से ये शेयर कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा था, तो धीरे करते करते वॉल्यूम जनरेट करे जा रही थी यहाँ पे। फिर लास्ट में एक बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक यहाँ पे हुआ, बनी वॉल्यूम अच्छी खासी, और उसके बाद धीरे करते करते कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसे में क्या होता है ना, जो नॉर्मल जो इसको जिन्होंने पहले तो यहाँ कहीं लिया नहीं और ऑल सडन यहाँ पे आके कहीं एंट्री देख ली या फिर वॉल्यूम देख ली और उसको देख के यहाँ पे एंट्री कर ली, तो वो लोग यहाँ पे ऐसे में फंस जाते हैं सही पर। तो हमेशा ये मत देखो कि वॉल्यूम आई तो मतलब से पॉजिटिव ही होगा, मतलब ग्रीन वॉल्यूम है तो पॉजिटिव होगा, रेड होगा तो नेगेटिव होगा, ये उससे नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे देखो इसको पैटर्न को समझो, यहाँ पे ये बहुत अच्छे टाइम से पैटर्न लंबा चल रहा था और ट्रेड में, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ऊपर गया, फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन आया, फिर ऊपर निकला, फिर प्राइस वाइज करेक्शन आया, अब वापस जाके एक बार वापस से प्रॉफिट बुक ए थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये वाला पैटर्न सही लग रहा है, मतलब वॉल्यूम के साथ में, मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इसमें चीजें। तो ये वाला हो सकता है चांसेस इसमें लग रहे हैं कि ये वाला अप ट्रेंड में निकल सकता है यहाँ पे। इसमें देखो लेवल्स अगर ब्रेक होता है यहाँ पे, जो आज का हाई लग रहा है, आज का हाई क्या था यहाँ पे 295 के आस, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके कल निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है, और सस्टेन कर जाता है वहाँ पे थोड़ी देर, तो फिर यहाँ पे ये इसमें अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ना थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आ गया होगा यहाँ पे, देखो इसमें चीजों में, क्योंकि वॉल्यूम के साथ साथ उसको साथ में प्राइस को कनेक्ट करने की कोशिश करो यहाँ पे, तब जाके थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे ये वाली वॉल्यूम थी जनवरी में यहाँ पे, ठीक है, ये भी इसी लेवल की वॉल्यूम थी, पर यहाँ पे पैटर्न ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था मोमेंटम, तो उसने धीरे करते करते और ज्यादा अच्छा मोमेंटम लिया। पर ये वाली जो फाइनल वॉल्यूम आई यहाँ पे, इसका पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे इतना मोमेंटम आ चुका था, इसलिए इसमें यहाँ पे सेलिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अभी की जो वॉल्यूम है, अगर उसको प्राइस से कनेक्ट करें तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें अगर यहाँ पे बाई चांस ये 269-270 के आसपास आता है, तो वापस से बाइंग एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस जो ब्रेकआउट की रेंज है यहाँ पे, ठीक है, इस रेंज से यहाँ ब्रेकआउट आया था 270 के आसपास से, तो इस जगह पर कहीं आता है यहाँ पे, तो वापस एक बार बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। इसमें एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं क्या कंडीशन लग रही है। वीकली में भी देखो अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पॉजिटिव है ये। और यहाँ पे देखें तो देखो एक मंथली पर अगर देखें तो ये वाला एक पुराना लेवल है मई 10 का, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पे बहुत पुराना एक रिजेक्शन था, मतलब 269 का, ठीक है, उसको ऊपर ब्रेक करके निकला है। तो 269 के लेवल को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस जगह पर आता है तो यहाँ पे एक बार बाइंग एक्टिवेट हो सकती है, इस लेवल को मार्क करके रखना है यहाँ पे। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर चांसेस है कि ये थोड़ा 206 के आसपास या 220 के आसपास भी वापस आ सकता है, इन केस मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में अगर कुछ गिरावट आती है तो इसमें। बाकी तो मेन हमें ध्यान रखना है 270 के लेवल पे सपोर्ट लेवल। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसमें मेरी यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी मुझे टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे अच्छा लगा मैंने आपके साथ शेयर करा है यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।